फ्रंटलाइन पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है दोस्तों। वड्डी अपडेट लेके हाजिर हो रहे हैं, वीडियो नूं अंत तक जरूर देखो तां जो सही ते सटीक जानकारी तुहानूं मिल सके। कोरोना वायरस महामारी का कहर लगातार देश दे विच जारी है। इस दौरान पिछले काफ़ी समय तो कोरोना के केसां दे विच कमी पाई गई है, जिस करके सरकार वल्लों हुण लगाईआं गईआं पाबंदियां च वी ढिल दित्ती जा रही है। इसे दौरान हिसार तो वड्डी खबर सामने आई है, बीमारी का एक नवी बीमारी है जिहड़ी मझ दे विच पाई गई है, जिसका नाम बुआइन कोरोना वायरस है। एनीमल बायोटेक्नोलॉजी विभाग लाला लाजपत राय यूनीवर्सिटी ऑफ वैटनरी एंड एनीमल साइंस ने इस बुआइन कोरोना वायरस की खोज की है। पूरे हरियाणा तो 250 तो वध नमूने लए गए हैं, जिन्हां विचों बहुत सारे नमूने जिहड़े पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने पॉजिटिव नमूनों तो खोज करने लिए 5 की तरतीब की गई सी, फिर नतीजा सामने आया है। खासकर यह खोज इसलिए की गई बुआइन कोरोना वायरस वख-वख जानवरों होने की प्रवृत्ति रखता है या नहीं। यूनीवर्सिटी के विज्ञानी डॉक्टर मीनाक्षी ने दसा कि आने वाले 10 साल में मनुखा में जो बीमारियां आनगियां उन्होंने जानवर तो आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का अजिहे खतरे अजे टलिया नहीं है। इस तरह इतने बहुत सारे वायरस हैं जो जानवरों में मौजूद हैं, तो परिवर्तन तो बाद एक नवा रूप ले सकते हैं, पर सानू यह भी जानने की जरूरत है कि हुण किस प्रजाति में वायरस जा रहा है, कि यह दूजे जानवरों में फैल रही है। उन्होंने कहा कि बुआइन कोरोना वायरस पशुओं के माल मूत्र दुध या मीट राही मनुखा तक पहुँच सकता है। वड्डी खबर आ रही है जी, बुआइन कोरोना वायरस के केस है जिहड़े हिसार दे विच पाए गए हैं एक कट्टे दे विच, ते उसका मनुखां दे विच फैलन दा खतरा भी पैदा हो सकता है। इस तरह दीआं होर लेटेस्ट अपडेट लई चैनल नूं सबसक्राइब करो, वीडियो नूं शेयर करना ना।